बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम क्वेश्चंस करने लगे हैं आज, और इसमें ये देखिए कि निशान लगा लें कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवा, नौवा, दसवां और तेरहवा ये क्वेश्चन हैं तो जो हम करेंगे। पहला इसमें है क्वेश्चन, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Does the induced current depend on the resistance of the circuit? क्या induced EMF जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है? तो बेटे पहला जो आर्टिकल हमने यही डिस्कस किया था कि induced EMF जो है वो I और R का प्रोडक्ट है, ये होती एप्सिलॉन के इक्वल। अब यानी कि अगर आपके पास ये एक फील्ड है, चलो मैं ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं, इसमें सिंपलेस्ट वे में हम कहते हैं कि मोशनली इंड्यूस हो रही है, यानी कि इसके अंदर ये एक कंडक्टर है उसको हम मूव करवा रहे हैं, ये कंडक्टर है तो हमने क्या किया, इसका सर्किट जो है कंप्लीट करने के लिए इसके साथ ये एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ये अब इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किस किस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी बी एल के बराबर होती है, साइन ऑफ थीटा थीटा यहां 90 डिग्री के इक्वल है। तो देखिए जो मोशनल ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहां पे मोशन की वजह से पैदा हो रही है, वो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उससे ईएमएफ को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम सर्किट की रेजिस्टेंस, मिसाल के तौर पर यहां से हमने इसको ब्रेक करके यहां एक रेजिस्टर लगा दिया और बिलफर ये वेरिएबल रेजिस्टर, अब ईएमएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वीबीएल के इक्वल ही रहेगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट रहेगी, ये वेरी नहीं करती, ये तो डिपेंड करती है वी पे, बी पे और एल पे, आर पे ये डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जिस तरह ये आपके पास एक बैटरी है तो उसमें हम क्या करते हैं, यहां जो है एक रेजिस्टर लगा देते हैं और यहां लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर या एम्पियर मीटर, तो डेफिनेटली इसकी जो ईएमएफ है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी तो ये 12 वोल्ट की रहेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां भी ये बिल्कुल यही केस है कि इसकी जो ईएमएफ है इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो वैल्यू होती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क रेजिस्टेंस का किसके ऊपर पड़ेगा, करंट के ऊपर। तो इसलिए ये देखें, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती ईएमएफ। अगली बात क्या थी, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यस ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है करंट, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, आई बढ़ाएंगे विद आर बढ़ाएंगे तो आई कम हो जाएगा, आर कम करेंगे तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह यहां मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी यही फंक्शन होता है जिस तरह यहां हम ऑर्डिनरी बैटरी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज आर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, गिव अ रीजन, द रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं फिर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ही बना रहा हूं, तो आप ये समझते होंगे कि शायद क्रॉस के साथ इसको ज्यादा मुफ्त होता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं, आप गाठ भी बना सकते हैं, लेकिन ये बात इससे बड़ी हुई है, और आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो किताबें हैं उसमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड शो किया होता है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप डॉट भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो कहते हैं एक लूप है, स्केयर लूप है, जो इसके इनसाइड मूव कर रहा है, और उसकी ये स्केयर
उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसका जो एरिया है, उसकी डायरेक्शन जो है, उसका जो नॉर्मल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है। तो यानी कि इस तरह इसके पैरेलल रहता है, इसका नॉर्मल इसी तरह रहता है। बल्कि मुझे यहाँ जो है बेहतर लगता है कि मैं इसको डॉट से ही शो करूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहाँ जब मैं फील्ड शो करूंगा तो ये पैरेलल की बजाय एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो चलो ये थोड़ा सा आपका टाइम तो लाया होगा लेकिन बात समझ आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि ये डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह। अब आप लोग भी खुश हो गए होंगे सर ने हमारी बात मान ली है। तो ये देखें, ये डॉटेड फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हमारी तरफ आ गई, पिछली तरफ जो है एन पोल है और हमारी तरफ जो है एस पोल। तो यहां हम क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं, स्क्वायर लूप ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर लूप है इस तरह। हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करवा रहे हैं, इसको बाहर नहीं निकालना हमने, ये याद रखना। और मूव किस तरह करवा रहे हैं कि इसका जो नॉर्मल है, इस लूप का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी हमारी तरफ है और इसका जो एरिया है उसका नॉर्मल जो है उसकी डायरेक्शन भी ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के। अब हम इसको मूव करवाते हुए यहां तक ले आते हैं, यानी कि ये लूप मूव करवा के हम यहां तक ले आए। अब हमने ये देखना होता है कि इसमें ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस होगी जब इसका फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर यहां रखें या यहां रखें, इसको स्लाइड करके इधर ले जाए तो बी की वैल्यू में चेंज नहीं है। दूसरी बात, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब एरिया पहले जितना था अभी उतना ही एरिया है, एरिया में चेंज नहीं है। इसका मतलब एरिया की वजह से भी इसका फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, इसकी मूवमेंट हुई है लेकिन एरिया जो है कांस्टेंट है, बी की कांस्टेंट। और तीसरी बात यह है कि थीटा जीरो के बराबर ही रहा है, यहां भी थीटा जीरो, इसको स्लाइड करते हुए यहां तक लेके हैं, थीटा जीरो के इक्वल ही रहा। इसका मतलब यह है कि कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो चेंज करे किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। इसका मतलब यह है कि ईएमएफ जो होगा, इसका हम कहते हैं माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा डी। अब डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसमें लूप को हम मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, हमने कहा कि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये मजे की बात है कि 4-5 साल पहले ये हमारे एंट्रेंस टेस्ट में आया था एमबीकेट में, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज थी वो बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले ये हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। कहता है अ लाइट मेटालिक रिंग, ये क्वेश्चन नंबर है 3। A light metallic ring is released from above into a vertical bar magnet. Viewed far above, does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? कहता है कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, इस तरह आपने उसको खड़ा किया हुआ ऐसे ऐसे समझ लें कि ये टेबल है, इसके साथ हमने एलसी लगा के इसका मैग्नेट जो उसको खड़ा किया हुआ है। इसका एन पोल ऊपर की तरफ है और एस पोल है वो नीचे की तरफ, इस तरह मैग्नेट भी ऐसे हमने इसको वर्टिकली खड़ा किया हुआ। अब इसके ऊपर यहां से एक रिंग जो है वो हम फॉल करवाते हैं, ये मेटालिक रिंग है, इसको हम फॉल करवाते हैं, ये रिंग जो है वो फॉल करता है इसके ऊपर। अब कहते हैं ये ऊपर से हम देख रहे हैं तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इस रिंग में करंट क्यों इंड्यूस होगा, लहर है
जब इसका डिस्टेंस जो है एंड पोल से ज्यादा होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू भी कम होगी। लेकिन जैसे इसको फॉल करवाएंगे तो ये करीब आएगा, मैग्नेट के करीब आएगा, और मैग्नेट के करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। मीन फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस रिंग का फ्लक्स चेंज होगा जब ये नीचे की तरफ आएगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके अंदर। याद रखें अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इसकी मोशन को अपोज करेगा, यानी कि हमने लेंस के मुताबिक यही पढ़ा था ना कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ यूं होती है कि वो हर उस चेंज को अपोज करता है जिस चेंज की वजह से ये खुद प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें चेंज क्या आ रही है, इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ मूवमेंट है, इसकी वेलोसिटी है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा कि वो इसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो जाहिर है हमें फिर ये सोचना है कि उसका जो करंट है इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन पोल बने और अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उसका एस पोल बने, ताकि एन और एन एक दूसरे को रिपेल करें। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए, यानी कि हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रिंग है ना, ऊपर से हम देख रहे हैं, तो इसमें करंट इसका फ्लो होगा कि हमसे अरे इसका एन पोल बनेगा और हमारी तरफ इसका एस पोल बनेगा। तो ये देखिए ऐसे राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है इंड्यूस करंट, तो तब इसका एन पोल पे हमसे अरे ऊपर से देखिए तो हमसे अरे बनेगा ना इसका एन पोल। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ऊपर से देखेंगे तो इसका एन पोल जो है हमसे अरे होना चाहिए, तो ये राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी क्लॉक वाइज। इसका मतलब ये हुआ इसमें करंट जो है इस तरह फ्लो होना चाहिए इंड्यूस करंट, तो उसकी डायरेक्शन जो ऊपर से देखेंगे तो क्लॉक वाइज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहां देखें इसका जो मैग्नेट बनेगा, इसका जो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इमेजिनरी तौर पर हम कहते हैं कि यहां यह है इसका एक मैग्नेट बना, और उसकी एन पोल इधर होगा एस पोल इधर होगा, तो डेफिनेटली एन पोल नीचे की तरफ होगा। तो ये ऊपर से देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जो मैं बात कर रहा था कि ये एंट्रेंस टेस्ट में आया था तो उसमें उन्होंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये तो है ना, हमने कहा कि व्यूड फ्रॉम अबव ऊपर से देख रहे हैं, उसने लिखा उसने कर दिया था व्यूड फ्रॉम बिलो, अगर आप नीचे से देखें तो क्या होगा, यानी कि ये जो ऊपर से देख रहे हैं ना तो क्लॉकवाइज हो गया, नीचे से देखेंगे तो क्या होगा। तो ये जो इसका सही आंसर है अगर आपने उसको तफसील से देखना है तो मेरा लेक्चर जो है उसका एंगुलर क्या कहते हैं कि सर्कुलर मोशन वाला उसको जरूर देख लेना, उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ बताई है, कि यहां थोड़ा सा बता देता हूं मजीद। ये देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ये रोटेट कर रहा है इस तरह ऐसे, तो आप ये देखें आपको ये महसूस होगा कि ये इस तरह रोटेट हो रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे लिहाज से ये क्लॉकवाइज है। वजह क्या होती है, यानी कि ये देखें ये रोटेट हो रहा है, आप देख रहे होंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिहाज से ये क्लॉकवाइज है। जिस तरह हर वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है, इसी तरह यहां भी एंगुलर मोमेंट एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन सेम होगी। ये देखिए ये बिल्कुल एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है, ये इसका एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। अब आपको पता है कि जो एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो एक्सेलरेशन के पैरेलल होती है। तो ये देखिए अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो इधर से हम देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, अपना राइट हैंड इस्तेमाल करें तो ये देखिए इसका मतलब इस डायरेक्शन इधर देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, और अगर इधर से देखें तो क्या होगा, जाहिर उसी डायरेक्शन में आपने जिस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपने राइट हैंड के उंगलियां है उसको कर्ल करना है ना, तो इधर देखेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इसके ऊपर गौर करें जरा कि थीटा की डायरेक्शन सेम रहेगी तो थीटा की डायरेक्शन कब सेम होगी, अगर इधर से देखें तो ये हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आना चाहिए ताकि हमसे इसकी डायरेक्शन अवे हो,
और इधर से देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आना चाहिए ताकि इसकी डायरेक्शन हमारी तरफ हो, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ये देखें, ये इसी तरह रहेगा। तो मैं जो बात कह रहा था कि यहां देखें, ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका करंट डिवेल्प होगा, नीचे से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट जो है वो डिवेल्प होगा। यदि के ऊपर से देखेंगे तो ये डायरेक्शन होगी। अब देखिए दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो क्या होगा, इस तरह यहां मैंने कहा कि ये देखिए आप इसको देख रहे हैं तो ये यानी के चलो इस तरह ले लेते हैं क्लॉकवाइज, ये आपके लिहाज से देखें तो ये क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे लिहाज से देखें तो क्या होगा, ये मेरे लिहाज से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसलिए यहां जो है बच्चे जो है वो कंफ्यूज हुए तो उन्होंने क्लॉकवाइज ही लिख दिया। वो जो टेस्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन याद रखें कि एक चीज जो रोटेट करती है अगर उसको एक तरफ से ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो रोटेशन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, तो दूसरी तरफ देखेंगे तो उसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये देखिए यहाँ एंगल जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो यहाँ इस तरफ होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा, यानी कि इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी ना। तो मैंने फिर कहा बता दिया कि वो जो पांचवें चैप्टर का पहला पहला आर्टिकल है दोबारा देख लेना, तो यहाँ भी उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। यानी कि ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज, नीचे से देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट इंड्यूस होगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू रेजिस्टर आर, और फिगर बताई गई है व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड और ओपन। यानी कि ये सिचुएशन कशू है कि दो हमारे पास कॉइल है, ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है यहां, तो उसमें प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें लगा हुआ है बैटरी और स्विच। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दो कॉइल है, ये क्वेश्चन है हमारा चौथा। ये ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास कोर है और ये दो कॉइल्स हैं, और इसमें खास तौर पर ये जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी का आपने खास ख्याल रखना है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरह, और यहां लगा हुआ है स्विच, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है एस। तो इसके साथ ये दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, इसमें अब लगी हुई है रेजिस्टर, एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके रेजिस्टर स्वयं के लेके आर के इक्वल है, ये देखिए ये आर के। अब पूछा यह गया है कि जब स्विच जो है उसको क्लोज करते हैं, यहां स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसके ऊपर भी जरा गौर करें, इंड्यूस करंट ने उस चेंज को अपोज करना जिस चेंज की वजह से ये खुद इंड्यूस हुआ है। अब देखिए इनिशियली इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो के इक्वल होगा। अब जब हम इसको क्लोज करते हैं, जब इसको क्लोज करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने क्लोज किया इसमें करंट फ्लो होना शुरू,
करंट की डायरेक्शन जाहिर है, देखें ये होगी करंट की डायरेक्शन, ऐसे इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो अब ये देखिए, हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए कि करंट की डायरेक्शन ये है, उसी डायरेक्शन में आपने राइट हैंड की उंगलियां जो उसको कर्ज करते हैं, तो थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प होगा उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, इधर से लाइन इसमें एंटर होंगी और हम ये कह सकते हैं कि ये लाइनें जो हैं सारी की सारी इसके अंदर से पास हो रही हैं, इधर से लाइनें इसमें एंटर होती हैं और ये देखिए इधर से ये इसमें एंटर होंगी और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कहते हैं कि सारी की सारी लाइनें इसके अंदर से ही पास हो रही हैं। ये इसका मतलब जितना इसका फ्लक्स होगा उतना ही इसका फ्लक्स होगा। अब याद रखिए पहले फ्लक्स जीरो के बराबर था, इसका फ्लक्स भी जीरो के बराबर था, अब इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ और हमें यह पता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है ऐसी होगी कि वो उस चेंज को अपोज करेगा। अब चेंज क्या हो रही है, चेंज है मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। इसका मतलब यह हुआ कि इंड्यूस करंट जो पैदा होगा उसने इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। डेफिनेटली क्या होगा, करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यानी कि उसका एंड पोल इधर बनना चाहिए ताकि इसको अपोज करे, इस फील्ड को अपोज करे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस तरह करंट फ्लो होगा ऐसे, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि ये इस तरह करंट फ्लो होगा, इसका इंड्यूस करंट होगा ये, तो ये इधर होगा ये इधर होगा ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट जो है ऐसे फ्लो होगा ऐसे। तो ये रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करंट ऐसे इस तरह फ्लो होगा। तो आपने कहना है कि जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो इंड्यूस करंट जो इसमें प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस रेजिस्टर में क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन होगी। अब अगली बात कहता है कि हमने बिल्कुल करंट जो है फ्लो करवाना शुरू कर दिया और ये इंड्यूस करंट जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो उस वक्त तक पैदा होता रहेगा ना जब तक चेंज हो रहा है करंट, जब करंट जो कांस्टेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया इंड्यूस करंट जीरो के बराबर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस स्विच को कर दिया ऑफ। अब स्विच को जब ऑफ करेंगे तो क्या होगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है रिड्यूस होने के चक्कर में होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने के चक्कर में है, उसका ट्रेंड टूवर्ड डिक्रीजिंग है, तो इसका इंड्यूस करंट जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मीन उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि जब ये इंक्रीज हो रहा था तो उस वक्त इसने डिक्रीज करने की कोशिश की इंड्यूस करंट ने, और जब ये डिक्रीज होने की ट्रेंड होगा इसका तो उस वक्त ये इंड्यूस करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा, मैं चलो जल्दी से दूसरी जो है डायग्राम बना लेता हूँ, वैसे तो यहाँ भी बताया जा सकता था लेकिन शायद समझ ना आती। तो ये देखिए दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, जब इसको हम ऑफ करते हैं तो ये देखिए, अब ये वही कॉयल है, अगर थोड़ा सा फर्क पड़ जाए तो ये इसको इग्नोर कर देना। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अपना बैठे थी और यहां हमने लगा दिया स्विच ये, और इसमें वही कॉयल है उसी तरह, और यहां ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है आप। तो अब इनिशियली जब हमने इसको क्लोज किया हुआ था तो करंट की डायरेक्शन ये थी और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलरेडी हमने जो कहा कि इस डायरेक्शन में था इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब जब इसको हम ऑफ करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसने इस चेंज को फिर अपोज करना। अब चेंज क्या है, पहले था जीरो से बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड था, अब जब इसको
करेंगे तो इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ट्रेंड डिक्रीजिंग होगा। जब डिक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस्ड करंट इसको असिस्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप करने की कोशिश करेगा इंड्यूस करंट। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल यह है कि इसमें इस तरह करंट फ्लो हो, यानी कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड जो रिड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसको ये इनहेंस करने की कोशिश करेगा। मीन इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना करंट जो है इंड्यूस करंट इस तरफ इसमें डिवेलप होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। आप देखिए कि आप करंट की जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, रेजिस्टर में ये इस डायरेक्शन में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसकी डायरेक्शन जो है रेजिस्टर्स में करंट भी वो रिवर्स हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर सही आपको क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछना तो पूछें।